नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। रुक करते हैं खबरों की ओर। कोटपुतली में नगरपालिका के हंगामेदार आम सभा के दौरान माहौल उस समय गर्मा गया जबकि पालिका प्रशासन की रीति नीति को लेकर वार्ड नंबर 6 की पार्षद सुरीता सैनी ने पालिका प्रशासन को चूड़ियां पहनने की नसीहत दे डाली। पालिका चेयरमैन महेंद्र सैनी ने स्थानीय विधायक राज्य मंत्री पर नगरपालिका प्रशासनिक गतिविधियों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। गौरतलब बात यह है कि जिस वक्त स्थानीय नगरपालिका में हंगामा चल रहा था उस वक्त स्थानीय विधायक राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव निकटवर्ती ग्राम नारेड़ा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में पुरस्कार वितरण कर रहे थे। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश शर्मा फिर आपके साथ। संकल्प विकास का जब साथ हो आपका। आज मुद्दा है कोटपुतली नगरपालिका का। कोटपुतली नगरपालिका जिसके बारे में आम लोगों की धारणाएं कुछ इस कदर बदल गई हैं कि मजबूरन मीडिया को यह सवाल करना पड़ा कि कोटपुतली नगरपालिका नगरपालिका रह गई है या उसे नर्क पालिका कह देना ज्यादा उचित होगा। क्या जवाब देते हैं इस पर नगरपालिका चेयरमैन, सुनते हैं महेंद्र सैनी से। मैं तो नगरपालिका को पर जो पार्षदों ने समस्याएं रखी हैं, गत वर्ष मीटिंग बुलाई नहीं गई, उनमें आप लोग तो है इधर देख के 2019 को बुलाई गई आम सभा के अंतर्गत जो बजट पारित किया गया 65,43,11,000 68,72,36,000 का बजट बेशक सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, लेकिन जिस तरह का माहौल आम सभा के अंतर्गत रहा उससे पूरा शहर दंग रह गया। यह जानकर कि इस आम सभा के अंतर्गत स्थानीय नगर पालिका चेयरमैन महेंद्र सैनी के द्वारा वर्तमान विधायक राज्य मंत्री पे जिस तरह से आरोप की बौछार उन्होंने की, उन आरोपों के चलते ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ के नेतृत्व में किसी तरह का कोई विभाजन है। एक दूसरे के अधिकारों का हनन करते हुए यहाँ पर देखा जा सकता है। पालिका चेयरमैन का सीधा सीधा ये कहना कि विधायक महोदय सीधे सीधे नगरपालिका की कार्य व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं और जब तक उनका प्रभाव यहाँ के स्थानीय आला अधिकारियों पर रहेगा तब तक कोटपुतली नगर को व्यवस्थाएं मिल पाना संभव नहीं है। आखिर क्या कहते हैं नगरपालिका चेयरमैन महेंद्र सैनी, सुनते हैं उन्हीं की कहानी उन्हीं की। पूरे वित्त वर्ष में एक भी साधारण सभा की बैठक नहीं बुला गई, बार बार लिखित में दिया गया से उसके बाद भी बैठक कम बुलाना, ये मेन कारण है जिससे पार्षदों में आक्रोश था, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। शहर में लाइट की साफ सफाई की गई व्यवस्था थी, इससे संबंधित मंत्री महोदय तो सहयोग करने के लिए है ना कि यहाँ व्यवस्था बिगाड़ने के लिए आप अपना काम करें और समय पे करें।
से आरोप लग रहे हैं उनका सहयोग होना चाहिए। नगर पालिका के विकास में माजी नगर पालिका के विकास में अवरोध पर सदन के सामने सामने रखा गया, उसके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक लंबे अवसर के बाद, एक साल नौ दिन के बाद हुई नगर पालिका की आम सभा, जिसमें मुद्दे और भी बहुत से उठने जायज थे। अतिक्रमण का मुद्दा उस तरह से नहीं उठ सका जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी। दुकानों पे जिस तरह की वसूली की जा रही है उसका मामला रहा हो, यानी वसूली के ऊपर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई। अतिक्रमण किस कदर आगे बढ़ गया था, क्या नगर पालिका के नए भवन से लगती हुई पीथा वाली कॉलोनी, क्या पुराने नगर पालिका भवन वाले रोड के पास का अतिक्रमण, स्थानीय जितनी भी कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों में जिस तरह से अतिक्रमण पराकाष्ठाएं छू रहा है, स्थानीय मधुकर कॉलोनी के अंतर्गत जिस तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें स्वयं नगर पालिका चेयरमैन, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, वर्तमान विधायक राजेंद्र यादव, उपखंड अधिकारी नानू राम सैनी, तहसीलदार अनूप सिंह सहित तमाम वो लोग इसमें शामिल है, यहाँ तक कि जिला कलेक्टर जयपुर को इसमें शामिल किया गया है, राजस्थान पोर्टल इसमें शामिल है, अधिवक्ता कॉलोनाइजर एडवोकेट प्रदीप भटनागर जिस तरह से पत्रावलियों के माध्यम से इस अतिक्रमण को चिन्हित कर सकते थे, बावजूद उसके उस अतिक्रमण पर कोई चर्चा नहीं हुई। बहरहाल इस तरह के आक्रोश का फूट पाना, पार्षदों की एक तरह से हल्की होना, इन सब को लेकर के क्या कहते हैं महेंद्र सैनी, जो कि स्वयं कई बार इस बात के साक्षी रहे हैं कि शहर में अतिक्रमण व्याप्त है, उसे शीघ्र दूर किया जाना चाहिए और किया जाएगा, बावजूद उसके वो अपनी कार्यशैली को चिन्हित करने की बजाय बार बार आरोप लगाते रहे हैं कि स्थानीय विधायक राजेंद्र यादव के दबाव में है स्थानीय प्रशासन और एक मूक दर्शक बना प्रशासन इस बारे में कोई कार्य क्यों नहीं करता। मूक दर्शक बने प्रशासन को लेकर आम जन के बीच प्रशासनिक स्थिति जो है बड़ी हास्यास्पद हो चली है। ए कंप्लीट स्टोरी ऑफ कोटपुतली नगर पालिका, देखते हैं आखिर क्या है नगर पालिका कोटपुतली, और नगर पालिका कोटपुतली का जो करोड़ों का बजट हर साल शहरी विकास को लेकर के सर्वसम्मति से पास किया जाता है, आखिर उसका लेखा जोखा क्या कहता है। जब लेखे जोखे की बात की गई, ब्यौरे की बात की गई, तो पत्रावलियां नगर पालिका ऑफिस से गायब मिली। पत्रावलियों के गायब हो जाने के बाद आखिर क्यों नहीं आज तक कोई FIR दर्ज कराई गई, और यदि FIR दर्ज करवाई गई तो आज तक वो चेहरे चिन्हित क्यों नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से आज कोटपुतली का शहर न केवल अतिक्रमण का शिकार है, अवैध वसूली का शिकार है, और हर उस गलत तरीके से बढ़ रही कोटपुतली के लिए जिम्मेदार है जिसके लिए ये आमजन जवाब चाहता है। क्या है वस्तु स्थिति, क्या है जमीनी हकीकत, आखिर क्यों इतना गुस्से में आए सारे पार्षद कि उन्हें आगामी तारीख तय ना किए जाने के क्रम में उन्हें कमरे में बंद कर देने जैसे की बात उन्होंने कहनी पड़ी, और मजबूरन दबाव में अधिशासी अधिकारी द्वारा आगामी 5 मार्च को फिर एक आम सभा का ऐलान कर दिया। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का शिकार हो चली नगर पालिका में 5 मार्च को भी हो सकता है कुछ कमोबेश इसी तरह का नजारा देखने को मिले। एक और महत्वपूर्ण बात, स्थानीय विधायक राजेंद्र यादव इस बात की पैरवी करते रहे हैं कि हर महीने एक आम सभा बुलाई जानी चाहिए ताकि जन समस्याओं को चिन्हित कर उनको समाधान दिया जा सके। स्थानीय विधायक राजेंद्र यादव को आम सभा में आमंत्रित नहीं किया गया या कि वो जानबूझकर इस आम सभा में नहीं आए, ये एक अलग बात है। बहरहाल यदि उन्हें लगता है कि हर महीने आम सभा होनी चाहिए और वो क्षेत्र के विधायक हैं, राज्य मंत्री हैं, सरकार उनकी है, सरकार की जवाबदेही है आमजन के प्रति, तो उन्हें आम सभा में एज ए जनप्रतिनिधि, एज ए विधायक, एज ए मंत्री इसमें मौजूद रहना चाहिए ताकि उनकी अनुपस्थिति में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, इससे शहर का नाम खराब होता है, इससे लोगों के बीच में उनकी छवि तार तार हो चली है, उन सब चीजों पे विराम लग सके। 2020-21 के बजट के लिए बुलाई गई आम सभा की बैठक जो हंगामेदार बैठक रही, जिसके अंतर्गत हर एक व्यक्ति ने अपनी सीमाओं का कुछ इस तरह से उल्लंघन किया कि पराकाष्ठाएं छू गई, इन तमाम स्थितियों के बीच में जो कुछ भी स्थितियां सामने रही उसके अंतर्गत पार्षदों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा के एक महिला पार्षद के द्वारा तो अधिशासी अधिकारी को चूड़ियां तक थमा दी, ये कहते हुए कि यदि कार्य नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाओ। क्या मजबूरी रही ऐसी अधिशासी अधिकारी की कि उन्हें एक और आम सभा के लिए उन्हें तैयार होना पड़ा। के पास है, ये कहते हैं कि मेरे पास कर्मचारी नहीं रहता है,
वहाँ लोगों की दीवारें खड़ी हो गिरने को तैयार है, वहाँ कोई नगर पालिका का कर्मचारी रहेगा तो मैं नाला कार्य कर दूंगा। नगरपालिका से एक एनओसी लेने में लोग इतने चक्कर काट रहे हैं, वहाँ पे 500 भाई उन फाइलों के ऊपर तो पैसा लिया जी रे, पेमेंट करवाना पक्का नहीं बात है, उन फाइलों का पैसा लिया जी। और ये साल अगली तारीख बता दी जाए आज ही, हमें बोल रहे हैं कभी भी खत्म की जा सकती है, कभी भी खत्म की। मैं मेरे घर पे कलेक्शन लेने के लिए एनओसी के चक्कर काट रहा हूँ। आज बाजार में एक आवाज आ रही है कि नगरपालिका के कर्मचारी अधिकारी नगर पालिका में तय बाजारी लगवाने के रास्ता रुकवाने के इनका पैसा ले रहे हैं। जिला मुख्यालय में ना शहर वालों ने रेड बाजार में आवाज है, ये दुकान वाले कह रहे हैं जिला जिला के नीचे खोखे जिनकी एक एक करोड़ की दुकान है वो तो बंधे बैठे हुए चुपचाप, और जिन लोगों से पैसा लिया जा रहा है वो आम रास्ता रोक करके ऐस कर रहे हैं। मार्च के फर्स्ट वीक में 1 तारीख का संडे, 7 तारीख का सैटरडे और बजट मीटिंग 24 तारीख को खत्म हो जाएगी। आप जो है 4 तारीख को बुला रहे हैं, 3 को बुला रहे हैं, लिखो कौन सी को बुला रहे हैं बोलो। नगर पालिका और जो दिक्कतें हमने नोट कराई हैं, इनका जवाब चाहिए, इनका जवाब चाहिए उसमें। 4 तारीख 3 तारीख कौन सी बोल रहे हैं, 3 या 4 बताओ। मार्च में वीक में तय कर लीजिए। नहीं क्यों करें, आज ही करो, क्यों बाद में क्यों होगी। और कहेंगे आप वोट करना चाह रहे हैं, आप कैसे निकलेंगे, वोट करना चाह रहे हैं। 4 तारीख 3 तारीख कौन से लिखवाओ, अरे लिखवाओ, तय होगी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, यही बंद हो गया आप सब। बाबूजी मार्केट में 4 तारीख 3 तारीख कौन सी तारीख, 8 15 तारीख करो साहब, तारीख तय करो, उसकी मीटिंग है 14 दिन के बड़े 4 दिन के बड़े, बताओ कौन सी कर रहे हैं। हाँ करो, 1 तारीख 8 तारीख तय करो ना, 20 को कहते हैं 20 नहीं होगा, तारीख तय होगी समस्याएं थी। मैन मुख्य एजेंडा हमारे बजट का था, बजट सभी पार्षदों ने सरस्वती से पास किया, 68 करोड़ का हुआ।
अतिक्रमण समस्या हमारे शहर की प्रमुख समस्याओं से एक है, लेकिन जैसे ही मेरा निलंबन हुआ उसके बाद पूरे बाजार में बीच में डिवाइडर पे भी अतिक्रमण करवा दिया गया। और किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करते हैं तो वो तो कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हम नहीं उठा सकते, हम कार्रवाई नहीं कर सकते। मुद्दा हमारे पार्षद मोती जी द्वारा उठाया गया है, आवश्यक जो अतिक्रमण उनके खिलाफ आए सो कार्रवाई की जाएगी।